28 अप्रैल की शाम आईपीएल 2023 में तूफानी मैच खेला गया। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले इस मैच में रन पानी की तरह बहे। बाउंड्री की बौछार बारिश की बूंदों की तरह हुई। गेंदबाजों पर बल्लेबाजों की बेरहमी एक बार शुरू हुई तो फिर थमी ही नहीं। हालांकि जब ये सब चल रहा था उसी दौरान मैदान पर लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस चोटिल हो गए। पंजाब के खिलाफ लखनऊ की टीम ने तूफानी जीत दर्ज की। मार्कस स्टोइनिस जिसके सबसे बड़े नायक रहे, मैच में किए अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन मुकाबला खत्म होने के जो उनकी इंजरी से जुड़ा अपडेट मिला वो थोड़ा केएल राहुल को टेंशन में डालने वाला है। मार्कस स्टोइनिस को चोट मैच में गेंदबाजी के दौरान लगी। मैच में अपने दूसरे ओवर के दौरान स्टोइनिस ने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज अथर्व ताइडे के एक शॉट को रोकने की कोशिश की। इसी प्रयास में उनकी उंगली चोटिल हो गई, जिसके बाद वो अपने ओवर की बची हुई एक गेंद भी नहीं डाल सके थे। चोट के चलते स्टोइनिस की कराह निकल गई थी, वो घुटने के बल बैठ गए थे, जिसके बाद फीजियो को मैदान पर आना पड़ा। लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो वो मैदान से बाहर ले जाए गए। बहरहाल अब इसमें ताज़ा अपडेट उनके स्कैन को लेकर है, जिसके बारे में मैच के बाद स्टोइनिस ने खुद भी कहा था। लखनऊ की जीत के हीरो स्टोइनिस ने मैच खत्म होने के बाद अपनी चोट को लेकर कहा कि अभी ठीक है, लेकिन सही मायनों में इस चोट की स्थिति कैसी है उसका पता करने के लिए इसका स्कैन होगा।